तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल मुंह का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं? हम लोग खुद शूटिंग में कितनी दफ़ा लेट जाते हैं, तो उसका कोई रीज़न होता होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सो आई मीन डेफिनेटली इट हैज़ बीन ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। व्हेन माय नेक्स्ट फिल्म कम्स डेफिनेटली आई विल कम अगेन ओवर हियर, नॉकिंग ऑन द डोर, व्हाई नॉट। एक तो सनी साहब वैसे भी आई थिंक इंडिया के सबसे लव्ड फैमिली को बिलोंग करते हैं, द डियोल्स। इनके फादर, उनको देख के हम बड़े हुए हैं, और वो जो माचो इमेज है, अगर यहाँ इवन टेलीविजन पे बोलते हैं यार बंदे जैसा फाइट करते हो, बड़ी खुशी होती है। उसके बाद वी ग्रू अप सीइंग सनी सर, एंड इतने बड़े फैंस हैं हम लोग, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट है, हमें ऐसा लगता है कि समर ये अप्रिशिएशन है हमारे काम का जो 18 साल से हम करते आ रहे हैं। और एक्शन के मामले में अगर कोई बोलता है धर्म जी जैसे करते हैं, सनी जी जैसे करते हैं, तो ऑब्वियसली यू फील प्राउड अबाउट इट, इट्स अ नाइस मोमेंट। क्या मुझे पसीना आ रहा कुछ हम लोग बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड जो हम कर रहे हैं, एंड इसमें मुझे एक्शन काफ़ी करना पड़ रहा है,
And again, it's a case which has to be solved. And as I said, जैसे मेरा character जो अजय मेहरा का है, who is Ghayal Gandhar, he is an investigator kind of a journalist. तो उस तरह से इसके अंदर मेरी blending बहुत अच्छी हो गई है. तभी मैं दो दिन से शूट कर रहा हूँ. भाई ये बताना जरूरी है कि नॉर्मली जो एक्टर्स आते हैं फिल्म के प्रमोशन के लिए, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम एक या दो सीन्स में होते हैं. सनी जी ऑलमोस्ट हाफ द एपिसोड में है, ऑलमोस्ट 8 to 10 एपिसोड सीन्स, या 8 to 10 सीन्स, ऑलमोस्ट हाफ द एपिसोड में सनी जी हमारे विद एक्शन विद एक्शन. मेरा सवाल दो लेडी कॉप्स के साथ है, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सनी पाई जी, एंड कुछ ऐसा स्पेशल मोमेंट रहा सीन शूट करने के दौरान? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस. हमने कल एक सीन शूट किया था एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. हम लोग कल बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आई टॉक टू हिम, थोड़ा बहुत पंजाबी में भी बात करूँगी मैं इनसे. आई वॉज टेलिंग एवरीबडी के कल ना, मैं अभी आज बात नहीं हो पाई है, कल आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं वहाँ जाऊँ और थोड़ा बहुत बात करूँ. तो आई होप आप मुझे कल पूछिए, देन आई मे बी आई बी एबल टू टेल यू. मेरा क्वेश्चन सनी से आपसे है, सर गायल एंड गायल गायल वन सेकंड में क्या मेजर डिफरेंस है? एक तो मैं तब जो था और आज में बहुत डिफरेंस है उसमें. सो डेफिनेटली वो कहानी उस वक्त की थी, ये कहानी आज की है, 2015 के 2016 हो जाएगी. सो इट्स अबाउट टुडे सोसाइटी बेसिकली. एंड अजय मेहरा जो उस वक्त यंगस्टर था, इस वक्त ही इज़ 90s late 40s, और तो आई वांटेड टू मेक हिम वेरी एविडेंट इन आज की सोसाइटी में, अगर अजय मेहरा होता तो क्या असर हो रहा होगा, क्या कर रहा होगा. It's been out since like 3 months. It came out first for the in October, and you're supporting us. Yeah, and thanks to you, even we've become a little famous. Little. Right. So to reward you guys, we have a new trailer to show you. This is the full trailer of Ghayal once again. It has more story, more content, more action. So I hope you guys like it. Without any further ado, let's have the trailer then. Wow. Goosebumps. Do you guys like it? Okay then, so let's have the man himself who has written, directed and lived the life of Ajay Mehra once again, Mr. Sunny Deol. Let's open the floor for question answers. Hello everyone. So far, so good. जैसे आप लोगों से लास्ट टाइम कहा था, आप लोगों ने मेरा साथ देना, फिलहाल अब तक तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया है. बस अब 5 फेब तक डटे रहिए, फिर आगे पिक्चर करेगी जो उसने करना है. उसे कुछ फर्क पड़ता है 15 को या 5 को? आई डोंट थिंक रियली. एक्चुअली हम तारीख तो देते हैं हमेशा, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस कितनी बार हम लोग आगे पीछे रह जाते हैं. कोशिश हमेशा, एक्चुअली मैं अगली बार तो तारीख ही नहीं दूंगा जब तक मेरी टेक्निकली आई एम नॉट कम्प्लीटली क्लियर विद इट, बिकॉज उसके बाद फिर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ती है. बट डेफिनेटली लेट देयर बी अ पॉजिटिवनेस टू इट. एंड और तो कोई रीज़न नहीं है, देयर इज नो अदर रीज़न. ये नहीं मैं कह सकता कि आई डोंट नो मैं क्या कहूँ क्या इसके अलावा, बस यही कि डेफिनेटली वी आर कमिंग ऑन 5th Feb, एंड जो भी टेक्निकल हिचेस थे सब ठीक हो गए हैं. एंड देयर वी आर. Hi, Sunny sir, I'm from the Buzz Diary over here. Yeah. Ajay Mehra is back and we are loving it. So how reloaded is Ajay Mehra in Ghayal once again? Well, whatever you'll have seen, if you all feel he is reloaded, he is reloaded. Yeah. Definitely. Is there any other character of yours you want to have a sequel for? Well, like I always say characters. That this is my basic acid test. Ye picture lag jayegi, uske baad I will know actually ke सबको किस तरह से लगी, और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा या मैं फिर से जाके नहीं बैठ जाऊँगा. तो
musical mein banau aur fir definitely there's a lot of things which are there in my mind but tab baat karenge. Sunny sir, sabse pehle congratulations for the trailer. Trailer is very very good. Mera sawal aap se hai ki aapne hamesha se aisa socha tha ki pehle do teaser release honge fir ek full trailer aayega ya ye due to the delay aapne aisa trailer dala hai aur if yes aap pehle fir mera second question bhi hai aap boliye. Nahi hum log trailer dusra bhi dalne wale the pehle but we were supposed to bring it out somewhere in the first week. Second and third come log I was having a gonna have a press conference. I was supposed to do everything but technically like I bol raha hu ye cheez ready nahi thi so we held back and then definitely it's do hafte pehle hi cheez aayi uske pehle aayi hui already aur gana bhi as a matter of fact ye delay se hame fayda is cheez ka hua definitely ek awareness badh gayi. Dusra mera jo gana tha lapak chapak has caught on with the youngsters jo mujhe kaha jata hai to main manta hu. Okay, ek aisa conception bhi hota hai sir ki zyada trailer dikha dena matlab do ya teen trailer dikha dena story kafi unfold kar deta hai aur itna matlab excitement nahi rehta. So what do you want to say about it? Well kya kehne abhi because bahut cheeze kahi jati hain. There's no definite rules and regulation if you ask me because kabhi main to I'm a believer ki kuch bhi main dekha hu. But जिस तरह से आज हमारी जो हमारा माहौल जो चल रहा है वहाँ पर अक्सर बहुत चीज़ें दिखा देते हैं पर फिर भी मैंने काफ़ी कंट्रोल रखा है ओके सर, आपसे मेरा सवाल है यू नो ट्रेलर इज रियली प्रॉमिसिंग और खास करके जब वो डायलॉग बोलते हैं बंसल मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा यादें ताज़ा हो जाती है घायल की बलवंत याद आने लगते हैं. इसके अलावा भी और डायलॉग प्रोमो आएंगे जहां आप और डायलॉग बाजी करते नजर आएंगे. देखिए जैसे इन्होंने कहा मत दिखाओ ज्यादा तो आप क्यों सिनेमा में जाके देखो ना प्लीज सिनेमा में देखिए उसके बाद फिर आप लोग बताइए कि क्या है बिकॉज नहीं तो फिर जब सिनेमा में नहीं जाओगे तो टिकट नहीं खरीदेगा तो पिक्चर कैसे बनाऊंगा मैं. लेकिन एक क्यूरियोसिटी तो पैदा होगी इस ट्रेलर के बाद यकीनन. हाँ जी ट्रेलर इतना प्रॉमिसिंग है क्यूरियोसिटी तो क्रिएट होगी चाहे वो फैंस हो चाहे वो क्रिटिक हो चाहे वो मीडिया हो कि और भी कुछ निकल के आना चाहिए और थोड़ा सा तो पिक्चर के लिए क्या रह जाएगा. आई थिंक मिशन ऑल इतना बहुत है बट इट्स वेरी नाइस अच्छा लग रहा है जो आप कह रहे हैं. डेफिनेटली मैं चाहूँ तो ऐसी पिक्चर रिलीज कर दूँ कुछ भी ना करूँ बट इतनी मेहनत की है इतना कुछ किया है तो डेफिनेटली सिनेमा में जाके लोग देखें और फिर उसके बाद जो होना हो सो हो. हमें बताया गया है कि हॉलीवुड एक्शन कोऑर्डिनेटर डैन ब्रैडली हैज बीन हायर फॉर द एक्शन सीक्वेंस. आपके ढाई किलो के हाथ में हमारे दिल तो वैसे ही घायल था. व्हाई सच अ चॉइस? That's so sweet of you. आप लोग ऐसी ऐसी चीजें बोल के मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं. But definitely मैं ये कहना चाहूंगा कि डैन ब्रैडली बिकॉज जैसे आप देख ही रहे हैं और जैसे मेरी पहली फिल्में भी थी उन्होंने मेरा इनिशियल एक्शन हमेशा अच्छा हुआ करता था स्क्रीन पे होता था एंड बिलीवेबल होता था. तो दैट्स व्हाई आई नीडेड टू ब्रिंग इन डैन ब्रैडली बिकॉज उनकी जैसे ही फेमस फॉर द फिल्म्स जो आप सब देख ही चुके हैं बॉर्न अल्टीमेट माय आइडेंटिटी और भी ढेर सारी. सो एंड ही इज रियली डन अ ग्रेट जॉब एंड वी जेल्ड वेरी वेल वी वाइब्ड वेरी वेल एंड काफी अच्छा है बट लेट्स सी ऑन द 5th ऑफ फेब आप लोग देखोगे एंड देन उसके बाद I will definitely meet you all and we'll have a chat and I hope it's a interesting one. Sunny sir, we have seen you in doing all sorts of action. Which was the most difficult one for you to just bring it out? We have seen the intense action. Any one particular scene which was very difficult for you to get in? You see, the difficulty is not the basic thing because like I do these things because for me it's a thrill. It's a basically adrenal thing. डिफिकल्टी आजकल तो थोड़ी सी भी हो जाती है बिकॉज बैक इतनी देर तंग करती है कभी कभी तो डिफिकल्टीज हो जाती हैं बट जैसे होता है ना जिस चीज़ का आपको प्यार और शौक हो तो उस वक्त आदमी आगे बढ़ता है. हाय कांग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर इट्स राइट स्ट्रेट ऑन योर राइट. हाय कांग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर इट लुक्स रियली रियली अमेजिंग. सोहा अली खान इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फिल्म बट ऑफ लेट आई थिंक शी इज नॉट बीन प्रमोटिंग द फिल्म एंड टुडे ऑल्सो शी इज नॉट देयर. Can you tell us some specific reason why she's not there? There's no such specific reason. I would love to have everyone over here, but then you know nowadays everybody is so tied up with so many things. Sometimes we are available, sometimes our schedules upar niche ho jate hain. And on a particular day they were available, then they are not available. So it chalta rehta, but there's no other definite reason beyond that. Okay.
सनी सर यहाँ यहाँ से फिफ्थ को फिल्म रिलीज हो रही है, लास्ट का जो एक वीक होता है फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं स्टार्स अपने रिलीज से पहले, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से प्रमोट करेंगे उस एक हफ्तों में? कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तो नहीं है जो बाकी नहीं करते. ऑब्वियसली मैं अभी शुरुआत आज से हुई है तो नाउ एवरी डे आई विल बी गोइंग डिफरेंट प्लेसेस एंड ट्राइंग टू डू व्हाटएवर आई कैन और लेट्स सी जो भी होगा. आई मीन एवरी डे आई विल बी डूइंग समथिंग, आई विल बी विजिटिंग द होल कंट्री एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सो जहां जा भी जाकर मैं कुछ कर सकूं. ओके, द मोमेंट वी सी द ट्रेलर इट कम्स, यू नो धर्मेंद्र प्रेजेंट. Is there any chances we can see Dharminder Saab promoting the film? Because we have never, you know. and we all love him, you know. Whenever he's there in front of media, we'll all love him. Definitely, definitely, my dad loves all of y'all. And definitely, next time I'll definitely have him along with me. And he will 100% will be there. It's just what we want that your son will take you himself further ahead. So that's why we're a little bit behind. Otherwise. पापा ने बुरी तो नहीं देखी, he's seen bits and pieces and उन्हें अच्छी लगी है and he's liked it. Definitely he has some points which are creative points जो which there's no point me discussing right now because आप लोग जाना चाहोगे लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा. But definitely, that is something which we always hota hi hai na. And but he is feeling very positive about it. Zani sir, आपने जब first घायल किया तो आपने सिर्फ acting की थी. इस बार आपने writing भी की, acting भी की, direction भी किया. तो सबसे best part क्या लगा? Acting, directing या writing? I think सब इकट्ठे हो जाते हैं. But definitely as a writing and direction was something which was really beautiful. I enjoyed it this time. Because इस बार मैं सोच समझ कर आया था कि मैंने ये करना है और क्यों करना है, the reason behind it. So I enjoyed every moment of it, every bit of it, directing people, interacting with people, writing, जो भी experience है life का, putting it across, you know. तो as a director, as a writer, that's what you can do. You can put it across. As an actor, you're just doing one character. Here I'm trying to interact all different characters and try and justify them all. So It was fun. देखिए फर्क की बात नहीं है बिकॉज यू आर ग्रोइंग अलॉन्ग विद इट. ये नहीं मैं अचानक एक दिन इंडिया आ गया हूँ अभी तो सब चीजें अलग लग रही हैं. ऐसा नहीं है, वी हैव सीन इट ऑल एंड देन एज अ राइटर एंड डायरेक्टर आई एम बेसिकली ट्राइंग टू ब्रिंग इट अक्रॉस के मुझे आज की सोसाइटी को मैं कैसे समझता हूँ और मैं कैसे उसे दिखाना चाहता हूँ. तो मैं बोल तो काफी कुछ रहा हूँ. आई होप ऑल दिस इज देयर इन द फिल्म. पर्टिकुलर रीजन टुडे वी कैन सी अ मेल डोमिनेटेड डाइस, द गर्ल्स आर मिसिंग. आप है ना यहाँ, यू आर पार्ट ऑफ मी ना. 2016 के लिए आपके लिए क्या क्या प्रिपरेशन है, तैयारियां हैं? 2015 से 2015 कैसा गया आपका, आप क्या क्या प्लान कर रहे हैं इस साल के लिए? 2015-2014 मैं अपनी घायल में ही लगा हुआ था और 2016 की बिगनिंग में इसका देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरी आया है. हम चाहते हैं बॉर्डर जैसे फिल्म. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हम चाहते हैं कि बॉर्डर के जैसे फिल्म भी की जाए. डेफिनेटली मैं मेरी पूरी कोशिश है कि जो चीज़ें मैंने पहले की थी मैं सोच रहा हूँ कुछ और ऐसी या कुछ नई चीज़ें निकलें जैसे आप अगली बार को कि ऐसी पिक्चर होनी चाहिए. 2016 की बात की. 2016 में फिलहाल तो अभी मैं अपने बेटे को लॉन्च करूँगा पर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा. You have faced many difficulties while making this film and while you were scripting the film. What was the one thing that kept you, you know, you have to make the Ghayal once again, a sequel of Ghayal. What was the one spirit that you want to name it or you want to define it? I think that's something what I am basically, you know, मैं एक चीज़ पर लग जाता हूँ फिर हटता नहीं हूँ. आगे जाके नतीजा कुछ भी निकले लेकिन जब तक मैं उसे वहाँ तक ना पहुँचा दूँ तो मैं आई डोंट स्टॉप. सो दैट इज समथिंग विच अच्छी है या बुरी चीज़ है वो मुझे नहीं मालूम लेकिन दैट्स समथिंग विच आई है. ओके, यंगस्टर्स के साथ आपने मतलब इनके साथ काम किया है, डेब्यूटेंट्स के साथ आपने काम किया, तो आपको कभी अपने अर्जुन के डेज आपको याद आते थे जब आप इनके साथ शूट करते थे या इनको डायरेक्ट करते थे?
हाँ डेफिनेटली बिकॉज आई इसमें मैंने जो कैरेक्टर्स बच्चों के लिए हैं बिकॉज मैं चाह रहा था कि 17 साल के बच्चे हों और उनकी जो बिकॉज आज की दुनिया में जितने भी बच्चे हैं और जब हम भी थे तो वो एक उम्र होती है जहाँ एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट और ब्लैक एंड वाइट मीन्स लॉट्स ऑफ अर्जुन सो दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर बच्चों के बीच में दैट्स व्हाई आई हैव दिस शो केस विद मी सनी हियर लिपिका हाउ आर यू I'm fine, Deepika. Yeah. Were you a strict director or a lenient director? Halla pande si tusi? Halla hula tha mainu na pata nahi because I look like as if I shout a lot and I scream a lot. But usse kya ho jata hai? Kaam kharab ho jata hai. So I was very patient. That's what I've understood doing films is to be as patient because then dimag kahin aur chala jata hai aur jo cheez karne ja rahe ho wo bhool jata hai. So I'm sure the kids will also agree with that. Yeah, obviously. Obviously. He was very sweet. 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 He was टॉपिक पे जा रहे हैं। आई थिंक घायल वंस अगेन के बारे में रहे तो बेटर है तो मैं चाहता हूँ अपने बेटे के बारे में बात करूँ पर आज नहीं फिर मेरे को कोई नहीं देखता मुश्किल ये हो जाती है कि मैं जो दूसरों से करवाना चाहता हूँ वो खुद से करवाने में मुझे दिक्कत होती थी लेकिन मेरी जैसे कहा टीम बहुत अच्छी थी तो वो टीम के साथ मैं कर पाया जो करना चाहता था खबरें तो बहुत कुछ थी लेकिन वो है नहीं शी इज नॉट देयर इन दिस फिल्म देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये फिल्म पहली वाली जो थी दैट वाज पोर्ट्रेट अजय मेहरा व्हेन ही वाज 25 27 जो उसकी उम्र थी उस वक्त एंड ही वाज अ यंगस्टर तो उस वक्त की जो उस सिचुएशन थी तो द फिल्म वाज मेड विद हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ हिज फैमिली और चीजें से बिछड़ रही हैं अब मैंने लिया है कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा सो definitely I've been basically meri puri koshish rahi hai ki main is film mein 2015 ko dikhau aur jo hum hain aaj aur agar Ajay mera hai is society mein to wo is tarah se hoga charo bachche logo se main puchna chahungi jo hain hamare youngsters aisa to ho nahi sakta ki director jo hai wo direct kar raha aur bahut hi kaam hai kabhi koi Sunny ko gussa aaya ho aur aap logo ne gujhela aur aap log dar gaye ho kyunki मुझे बच्चों के साथ काम करना है आई विल हैव टू हैव पेशेंस एंड देयर नेवर बीन एनी रकर्स और एनी हश हश सिचुएशन ऑन द सेट ही इज ऑलवेज बीन कूल एंड काम द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सर द वे ही एक्सप्लेन्ड अस एवरीथिंग वाज सुपर्ब So, उनका जो डायरेक्शन लाइक हम लोग को तो लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव लर्न फ्रॉम हिम टू बी ऑनेस्ट इट्स अ परफेक्ट वे टू स्टार्ट आवर करियर मतलब आप लोगों का कहना है कि जानकर बड़ी शांति थी क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अगर जोर से आवाज भी करूं तो आप लोग डर जाएंगे नो वैसा नहीं है गलत मत समझिए Honestly, it was very surprising क्योंकि वो पूरे सेट पे सबसे काम होते थे And he was obviously being a director, he was the most passionate about the film. So for a person to be so passionate and still remain so calm, I mean, I was just learning from watching him be like that. जब वो होता था मैं उसका रीमेक कर रहा होता ना मैं रीमेक नहीं कर रहा हूँ जैसे मैंने कहा कि मैं ये पकड़ रहा हूँ कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा क्या उसकी सिचुएशन होगी इन द सोसाइटी आई जस्ट से कि मैं इतने सालों में आई बीन ऑब्जर्विंग यू या फिर लोग कहेंगे कि आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो बट देन यू आर द मोस्ट काम पर्सन आई फील लाइक यू आर स्टिल वेरी डाउन टू अर्थ एज ए लाइक न्यू कमर हो बट डेफिनेटली दैट कम्स रियली ऑन द स्क्रीन पर मतलब आप टोटली डिफरेंट हो जाते हो So I really don't feel like that you are just a tech person in fact, you know.
That's what I kind of feeling. Sir, what have you to say about this thing? Like, what keeps you? What so keeps me? I really don't know. That's the way I am. I just basically, I love work. And I want to enjoy my work. And I want the work to be brought across the in a right way or janta tak pahunchun, sab logo tak pahunchun. Aur because knowing unknowingly, jab se maine shuru kiya, jo filmen ki hain, wo logon ke dil mein abhi tak hain kyunki usme kuch sachai thi, kuch characters achhe the, real the. Aur मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इतने लोग इसके बारे में कहेंगे या इतना सक्सेस होगा मुझे कुछ नहीं पता था सो दैट्स द वे आई हैव बीन एंड दैट्स द वे आई वांट टू कैरी ऑन बिकॉज दैट्स व्हाट आई लव एंड रादर डू समथिंग व्हाट आई लव देन डू समथिंग व्हाट आई एम नॉट सनी सर यहां पर फिल्म में ट्रेलर में एक सीन है जहां पर लोकल ट्रेन आ रही है और आपकी कार वहां से टकराते हुए जा रही है तो वो सीन करने में कितनी डिफिकल्टी हुई थी आपको That's why we call them, we have action, we have the action coordinators, we have special effect guys. So, wo sab difficulty hoti hai ki us sequence ko katne mein hame kam se kam hafte ya 10 din lage the to organize it and to get it to that perfection because sab cheeze ek saath ki thi hum logon ne and eventually it's just one shot and it happened. देखिए इस फिल्म के ऊपर है अगर ये फिल्म मुझे लगा कि मैंने genuinely I could reach out to the people and I have justified it then definitely I've got quite a lot of films जिनमें characters बहुत interesting थे so that will give me encouragement to bring them across and आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि मैं सिर्फ for the sake of it नहीं करूँगा As long as I can get the soul to it. Sunny sir, congratulations for the promo. It's very like brilliant promo. And आपने बच्चों के साथ काम किया, जबकि हमारे यहाँ बहुत कम लोग बच्चों के साथ काम करने के लिए या youngster या teenagers पर base ये survey ला रहे हैं. बहुत कम फिल्में बनती हैं. आपको क्या वजह लगती है? क्यों लोग बचते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है क्या आजकल वी आर ऑल बिकम वेरी कमर्शियल एंड हर चीज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन कितना पैसा आएगा कितना बनेगा उस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं कोई उस हिसाब से नहीं बन रही है कि मुझे ये कहानी पसंद है आई वांट दिस टू बी मेड बिकॉज वो ले कहानी पसंद उसे हो और लेकर जाएगा कि उसने बनानी नहीं जब तक एक्स वाई जेड आर नॉट देयर इन इट और फिर बाकी और चीज़ें ना हो देन द स्टूडियो विल वांट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टू बी एडेड ऑन टू इट तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है तो इसी वजह से बच्चों की फिल्में या कुछ इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं लेकिन बट आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग सिनेमा टू मच बट देयर हैव बीन लॉट ऑफ यंगस्टर फिल्म्स कमिंग आउट इफ यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम श्योर देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ देम कमिंग आउट और उसके अलावा भी हम बूढ़े होकर भी हम लोग फिर भी टीनेज फिल्म करते हैं तो टीनेज तो कभी जाता नहीं है सर तस्वीरें लीक भी हुई थी जब बैक रोड पे आप शूट वगैरह कर रहे थे तो उन चीजों को कैसे आप ले रहे थे क्योंकि अभी कई तस्वीरें लोखंडवाला बैक रोड से अभी देखिए इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज कितना मैं कोशिश करूं जैसे हम लोग गाड़ी में भी जा रहे होते हैं तो कोई ना तो कोई आ जाता है बाजू में फोटो खींच लेता है एंड कुछ नहीं कर सकते तो दिस इज द सोसाइटी दिस इज हाउ वी आर लिविंग टुडे एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड देन फाइट अबाउट इट एंड क्रिप अबाउट इट एंड प्रमोशन पे आप किस तरीके से ध्यान दे रहे हो मतलब एग्जैक्टली क्या अभी आप मेरी टीम है आप लोगों के साथ मैं बैठूंगा कोशिश करूंगा क्या मुझे करना चाहिए मैं वैसे ही लेके जाऊंगा बिकॉज मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है इस फिल्म में और मैं चाहूंगा कि वो मेहनत आजकल जनता को स्क्रीन पर लाने के लिए बहुत जरूरी है और दैट इज नॉट क्रिएटिव बट वी विल ट्राई डू सम क्रिएटिव वर्क सनी सर इधर सर सर जिस तरह का माहौल आजकल देश में चल रहा है और आपने कहा कि आपकी जो फिल्म का लाइनअप है वो सिस्टम के खिलाफ है तो आपको लगता है कि जो एक आम आदमी होता है वो आपके अंदर एक अक्स देखता है अपना इसीलिए फिल्में आपकी पास्ट में चली और ये फिल्म में उस एक रीजन होगा वो चलने का बेसिकली जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं दे हैव बीन बेसिकली उस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं और ये फिल्म ये सिस्टम से कुछ लेन देन नहीं है जस्ट बेसिकली टू डू विद अस आवरसेल्व्स हम हर फैमिली हर तरह की फैमिलीज होती हैं सो मैंने इस फिल्म में अलग अलग तरह की फैमिलीज को पकड़ कर और सबका एक सोर पॉइंट पकड़ के फिर मैं आके लेकर गया हूँ बेस्ट इज लेट द फिल्म रिलीज ना फिर मैं मुझे भी पता चलेगा कि मैं पहुँच पाया आप लोगों तक या नहीं
पापा ने थोड़ी बहुत देखी है, पूरी नहीं देखी क्योंकि कम्प्लीटली रेडी भी नहीं अभी और मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा टिल हैव ऑल माय स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग रेडी, तब दिखाऊंगा. और आई एम श्योर पापा हैज ऑलवेज लव व्हाटएवर आई हैव डन इवन इफ इट्स नॉट गुड. हाँ जी, there is Soha in this film, she is there, definitely there, but it is not ये कहानी आप लोग बोल रहे कुछ इस तरह की कहानी क्यों नहीं बनाते, तो ये कहानी को अप्रिशिएट कीजिए जब आएगी, फिर मुझे पूछिएगा क्यों नहीं है और क्यों है और क्या है. Sunny, do you not look into some inputs from Papa? Have you gone ahead and asked him something? I'm born in the house, so from birth onwards, there's been a lot of inputs in coming in, which one doesn't have to ask. I've grown up like that. I'm full with inputs. Okay, guys, I think any more questions? The last question, anybody? I think that's a wrap. Thank you so much. First and all, happy Diwali to all of you all, and wish everybody all the best. All the viewers jo dekh rahe hain, and bas yehi keh raha hu ki for me Diwali is bringing my promo out, and then in Jan I'll see you all again. Thank you. वीडियो के लिए अरे वीडियो के लिए की हो रे बस खाली बस अरे अनिल बस ना अरे स्टील वालों दिल वालों कब बनोगे हमारे साथ ऋषभ आजा भाई. We have Achal, please. And we have Anna. Come on. So, bhai log, sachi mein ye log hero hai is movie ke. ठीक है? And we have Rishabh and we have Rishabh and we have Shivam. Shivam and Rishabh, मेरे को एक बात बताओ. Since you are the oldest on the sets as the heroes. ठीक है? तो जब movie में काम कर रहे थे and you were working with Sunny Paji, so how was the entire thing that was going on? दिमाग में क्या चल रहा था यार, बिकॉज़ स्कूल 90s के एरिया से तुम लोग निकले हो, यू सीन सनी पाजी एंड देन यू वर्किंग विद हिम, तो कैसा था? Honestly, I'm a fan of Sunny sir. Like all the movies I've seen is like every movie, and I'm a fan of Ghayal. So it was a pleasure learning from him. Okay. Great experience. And Shivam, how was it with you? Honestly, he's one of the most intense actors that I've ever seen in my life. So to be directed by somebody as amazing as that, it was one hell of an experience. What else can you ask for as an actor? Awesome. And Achal, let's ask you a question. आपसे पूछते हैं. So entire working experience with these guys, with Diana and Sunny sir, sets में कैसा मजा आ रहा था? It was very friendly with all three of us. We've actually evolved as friends. With sir, yes, I used to always look up to him because जो sir intensity के साथ आपको बताते हैं, मतलब you really feel like doing it. कि सानी साने करने बस ऐसे ही कर दो. तो short के बाद I would just look up to him कि हाँ sir, ठीक है, okay. Sir की approval. Yeah, but then sir ने बहुत अच्छे से explain किया and it was really nice, friendly. Awesome. And since it's Ghayal once again, हमको मालूम है कि इस movie में action होने वाला है. So action करते समय क्या था, पूरे दिमाग में क्या चल रहा था? पूरे दिमाग was like oh shit abhi ho jayega abhi gir jayenge abhi we had cycling shots and main aur Shivam kar rahe the to chote lag rahi thi real ki wo dard aa raha tha baar baar sari sab ko dekh sari sab smiling haath chal acha ho gaya method acting sir good stuff. So sets pe jab tumhara jo movie jo hai theek hai and when it goes it advances ek time aata hai jahan aap Sunny sir ko bulate ho okay so sets pe in character
when you were there. So how you used to address Sunny sir? Ki Ajay Mehra karke bulate the, Sunny Baji karke bulate the, Sunny sir karke bulate the. So ek baar character mein Sunny sir ko awaaz laga do, to shayad wo podium pe aa jaye. Call Ajay sir. Hello, hello Ajay sir. Oh, Ajay sir, jaldi aa jao, we need you so much. So we need you badly, so please. And that's all. Sir, ek sawal aap se bhi, alright? Arre, niche baith. Arre, Anil. Ye, awaaz. Sawal yehi hai, sir, ki bachon ko pehli baar direct kiya hai, theek hai? So how was this entire thing that was going on, ki bachon ko direct karna hai? क्यों परेशान हो जाते थे पर नहीं इट वॉज रियली फन बच्चे मैंने इनकी ऑडिशन की थी इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया था एंड दे हैव लिव्ड अप टू देयर कैरेक्टर्स व्हिच इज देयर इन द फिल्म और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं बस मैं इनको खासकर इन लड़कियों को कहता रहता था मेकअप ऑन लगाओ बिकॉज़ ऑफ बच्चे हैं अदरवाइज इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी और ये पूरी फिल्म अभी मेरी खत्म हो गई है फ्रॉम क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू और ये मेरी पूरी एक टीम थी जिसके साथ मैंने ये पूरी फिल्म खत्म की है अब आगे मुझे एक और टीम चाहिए जो आप लोग हैं बिकॉज़ ये टीम मुझे अभी आगे लेकर जाएगी ताकि मैं अपनी फिल्म को पर्दे को लेकर जाऊं जनता तक पहुंचूं और उनको आप वहाँ लेकर आएंगे बाकी तो फिर मेरी फिल्म बोलेगी मैंने अच्छा काम किया है ये गंदा इसका बस यही कह सकता हूं कि कोशिश जारी थी लेकिन हो नहीं पा रहा था और अब तैयार हूं वो उन्हीं को पता होगा उनका ना कहना या हाँ कहने की बात नहीं थी एक चीज़ जो हम कोशिश कर रहे थे वो बन नहीं पा रही थी जिसकी वजह से I couldn't do it earlier on, but now definitely, that's why I decided to direct once again and I really loved it. I enjoyed it. Ghayal returns to them once again, like what do you think? That was क्योंकि अक्सर हम कहते हैं part two या returns or this and that, but मैं ये कहना चाह रहा था कि ये घायल जो 1990 में घायल थी, वो आज फिर से once again घायल है क्यों है वो पिक्चर बताएगी मैं एक्चुअली कहूँ सबसे टफ प्रोडक्शन होती है नहीं एक्चुअली बात क्या कुछ भी करो कहाँ भी जाओ जो भी करो जब व्हेन यू आर सपोज टू बी द लीडर ओवर देयर बीइंग अ डायरेक्टर दैट्स व्हाई तो जिम्मेदारियाँ बहुत हो जाती हैं और एज अ डायरेक्टर यू वांट योर विजन टू कम अक्रॉस राइट तो उसके लिए फिर से प्रोडक्शन के ऊपर झगड़े होते हैं कि ये चाहिए क्यों नहीं हो रहा एंड देन अगेन कमिंग बैक टू द क्रिएटिव साइड एंड देन कमिंग बैक टू द एक्टर्स फिर एक्टर्स के ऊपर जो मेहनत करनी पड़ती है जैसे डायरेक्टर्स मुझ पर मेहनत करते थे तो उसमें काफ़ी एनर्जी निकल जाती है बट मज़ा आता है क्योंकि बिकॉज एंड ऑफ द डे जो हम बना रहे हैं वो निकल कर आ रहा है लाइक एन आर्टिस्ट लाइक अ पेंटर जो भी कहें हम इसे और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ माई फिल्म बिकॉज जो मैंने सोचा था जो मैंने चाहा था वो मुझसे शायद बन गया शायद पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ लेकिन बन गया एंड इसके बाद बस यही कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा और मैं नहीं कुछ कर सकता सही सर रिलीज डेट बार बार बदली जा रही है क्या कारण है आप इतने अच्छे टाइम पे आ रहे थे सेंटर में हाँ नहीं बदली नहीं जा रही है वो क्या एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि ये तारीख आ रही है ये तारीख आ रही है दैट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन आई इंडस्ट्री डेफिनेटली मेरी कोशिश तो थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊँ दिवाली वॉज अ गुड टाइम विच आई कुड really target lekin then again you know creative work aur kitni cheeze hain karte karte judte judte bahut waqt lag jata hai especially with special effects main nahi chahta ki main film aisi mein laga dun main dekhu achi tarah se enjoy karu aur fir usse release karu main charo yuva actors se bhi janna chahunga ki jab aapko pata chala Sunny Deol ki film mein aap kaam karne wale koi particular dialogue hai jo aapka pasandeeda hai aur aap inke samne aaj kehna chahenge kyunki itne dino tak aap
भीतर छुपा के रखे होंगे चारों अपने अपने तरह से करके everybody's favorite dialogue and especially Sunny sir's agar hum sach ke saath hain to jeetne tak haar nahi manenge iske alawa pura nahi bilkul bhi nahi as you can see from the poster us 2.5 kilo ke haath ka sahara le rahe hum so we were not scared of it we were in love with it Sunny sir over here towards First of all, congratulations, the trailer looks excellent. So my question is, you have roped in Hollywood action director Dan Bradley for the choreographing the action scenes. And even they look stunning on the screen. So could you say something about action in the film? See, I had started my career with films like Betab, then Arjun, and then it followed on with that kind of cinema because most of I believed in that cinema. So then I decided, I was thinking that I have made so many films in the past, but I have lost my roots, which I was. I used to love doing. Aur that's usi tarah se main usi reason se main director bana is film mein wapas and definitely action is very important and aaj main dekh raha hu jisse bhi dekh raha hu wo us tarah ka action kar raha hai jo main bahut baar kar chuka hu ek ko maro to 10 aadmi ud ke wahan yahan se wale unki ishare se bhi chale jaate hain you know so wo sab bahut ho gaya to maine kaha nahi I mean वो मैंने कहीं गलती से शुरू कर दिया मुझे बंद करना होगा और सो जितने भी हमारे यहाँ एक्शन कोऑर्डिनेटर्स हैं सब अच्छे हैं लेकिन दे हैव ऑल लॉस्ट दी के हम अभी एक्शन क्या करना क्या चाहते हैं एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी लाउडर एंड लाउडर तो इसीलिए मुझे देन आई हंटेड अराउंड और मुझे डैन ब्रैडली अच्छे लगे क्योंकि उनकी जो फिल्म उन्होंने किया जब मैं उनके साथ काम किया इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर बिकॉज ही इज जेन्युइनली रियली अ क्रिएटिव गाय एंड इस फिल्म में बिकॉज ऑफ हिम एंड बिकॉज ऑफ आवर कॉन्सेप्ट टुगेदर वी बीन एबल टू ब्रिंग आउट रियलिटी एज मच एज पॉसिबल एंड सो यू नो सिंस दिस इज इन अ रियलिस्टिक स्पेस विल देयर बी अ म्यूजिक व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक विल बी देयर इन दिस फिल्म I have got good songs, I would say. Basically, एक गाना है जो पिक्चराइज किया बच्चों के ऊपर because it has to relate to the kids. So मेरा गाना ही उसी तरह से है and I'm hoping that if it relates to kids, it'll relate to us also because हम भी बच्चे का हैं. So फिलहाल अभी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं यार. But as time goes by, I'll be मैं post करूँगा then we'll have a thing for that also because like I said, अभी आप मेरी team है तो मुझे आप बताओ कि क्या एक चीज़ पहले दूसरी चीज़ बाद में क्या कैसे किस चीज़ को लेकर आऊँगा एंड मैं आपकी सुनूंगा और आप मेरी सुनेंगे सनी जी ऑन योर सेंटर हियर कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर लुक्स ऑसम माय क्वेश्चन टू यू इज सर सो हो जाओ तैयार ऑफिशियल पंजाब बाकी सारे अच्छी अरे दादा दादा बैठ के यहाँ बैठ के रेडियो रेडी सर जानना चाहेंगे इस आज इवेंट के बारे में कि क्या स्पेशल है कितना प्रमोट करेंगे क्या कितना कितना हेल्प होगा इसको आप बढ़ावा दे रहे हैं मैच को उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो कितना हेल्प करेगा इन प्लेयर्स के लिए आपकी टीम के लिए देखिए ये एक बीसीएल पंजाब जो शुरू किया है एक यूनिसेक्स क्रिकेट है या इट्स अ यूनिसेक्स क्रिकेट और पंजाबी क्रिकेट है तो पाजी इज द बिगेस्ट पंजाबी आइकन तो सो मेरी फिल्म भी लग रही है तो मैंने कहा क्यों नहीं इनका भी बिगनिंग हो रहा है और मेरा भी एक तरह से बिगनिंग ही हो रहा है मैं वापस आ रहा हूँ
So it is once again, Ghayal once again. ये reason था मैं अभी आप लोग देख ही रहे हैं मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ अभी कोई कह नहीं सकता कि मैंने promotion नहीं की अपनी film के लिए कितने time बाद cricket time बहुत 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 वक्त हो गया कई साल हो गए हैं स्कूल में था उसके बाद कभी कभार यहाँ वहाँ कभी खेली होगी but not much सर जाना अच्छे बॉलर थे बैट्समैन थे या फील्डर मैं था क्या बोलते हैं एक प्लेयर जो बैट पकड़ लेता था बॉल आती थी मेरे को मालूम है उसे मारना है मिस हो जाती थी आउट नहीं तो फिर मैं मारता था और बॉलिंग भी वैसे ही करता था खड़ के जोर से मारता था यहाँ तो विकेट पे जाती थी यहाँ बाहर जाती थी बैट्समैन के पास जाती थी यहाँ आउट जाती थी जी सनी जी आई एम रियली ओब्लाइज के पहले तो भाजी ने इतना टाइम निकाला और ही इज़ द बिगेस्ट पंजाबी आइकन और ये पंजाबी ग्लोबल लीग है जिसमें पंजाब का पूरा यूथ कनेक्ट होने वाला है तो जब मैंने घायल के ट्रेलर्स देखे तो मेरे को लगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूथ कनेक्ट है एंड इट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इट एक यूनिसेक्स क्रिकेट है एक यूथ सब इकट्ठे होंगे एक प्लेटफॉर्म पे एंड हैविंग अ पंजाबी गॉड विद अस इट्स माय प्रिविलेज आई एम रियली रियली ओब्लाइज आई थिंक ही इज गोइंग लिटिल ओवरबोर्ड हां बस यही कहना चाहूँगा कि ये है का खेल है सारे नु एंटरटेन करन लिए नाले आप एंटरटेन होन लिए पर जब खेल खेल हुंदा उस वेले तो फिर बंदा भूल जांदा कि मैं खेल कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं उस वेले बंदा फिर वाकई बड़ा औखा हो जांदा है लड़दा है रोंदा है पिटदा है ते मजा उदे च ही आंदा खेल च जथे ये सारी चीजें ना होन गेम दे विच ते गेम दा मजा ही नहीं है सर सर हम इस बीसीएल से बॉबी से भी जुड़े हुए हैं तो आपको इनसे बारे में बात होती है कि अच्छी बैटिंग करो या बॉलिंग करो या देखिए बॉबी ये काफ़ी सालों से कर रहा है एंड ही इन्जॉयज इट और वो काफ़ी ट्रेनिंग करता है एंड ही इज़ वेरी गुड सो हम लोग अक्सर कभी वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम लोग या बैडमिंटन या स्क्वाश खेल रहे होते हैं तो उस वक्त क्रिकेट की बात तो नहीं कर रहे होते लेकिन डेफिनेटली ये सब चीज़ें मैं एक तरह से एक स्पोर्ट्समैन हूँ मैं हर चीज़ खेलना चाहता हूँ और क्या बोल सकता हूँ मैं यही कह सकता हूँ कि BCL पंजाबी ये पंजाबी लीग है और जिस तरह से इन लोगों ने इन सब ने एक इसके बारे में जिस तरह से इसे ऑर्गेनाइज़ किया है वाकई में ही एक तरीका है जो हम लोग इतना कभी सोच भी नहीं सकते कि हम रबर बॉल के साथ लीग शुरू करेंगे नहीं लड़ना झगड़ा तो खेलते खेलते हो जाता है ना कभी जब बैडमिंटन खेल तो शटल बाहर चली गई आउट एन एन आउट नो आउट आउट एन और फिर गुस्से में कोई छोड़ के चला जाता है फिर वापस आता है तो दैट्स व्हाट स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट एंड दैट्स व्हाई आई लव स्पोर्ट्स मैं क्यों करूँ ऐसी ऐसी आप तो आप लोग बगैर पिटाई के कुछ और नहीं सोचते क्या क्या कह रहे हैं आप कल गए थे BCL पंजाब को सपोर्ट कर रहे हो हाँ हाँ नहीं मैं वहाँ गया था बॉबी के मैं अहमदाबाद में था बॉबी का मैच देख रहा था आई वाज देयर वेरी मच सपोर्टिंग हिम मेरा भाई है क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा ये आप लोग बदलते रहते हो मैं नहीं बदलता वो मैं एक फिल्म बना रहा था उसके बाद जब से मैंने दो साल तीन साल हो गए जब से मैं कह रहा हूँ ये वंस अगेन है पर फिर भी आप लोग क्या आप लोगों को मज़ा नहीं आता जब तक कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो बोरिंग हो जाती है बात आप जैसे जाके सिनेमा में देखोगे तभी मज़ा आएगा ना नहीं तो फिर ऐसे कैसे मज़ा आएगा मैं आपको कहानी बता दूंगा फिर आप मेरी पिक्चर ही नहीं देखोगे तो फिर आप मेरे पूरे पैसे मुझे दे दीजिए मैं आपको पूरी कहानी सुना अजय नीचे झुक जाना अजय नीचे झुक जाना सर
सरोज नीचे झुक सरोज सरोज नीचे झुक सब जब पीछा पीछा हो
In reality, we're mortal. अभी ऊपर आ गया ले ले फोटो फोटो लेनी है ना पर तो मेरी इतनी लेगा ना फोटो कौन सा लेंस है ले ले तू ले ले तू खुश हो जा चल सब थोड़ा लाइट से और बोल कहाँ था सब कैसे चाहिए थोड़ा एक्शन नहीं तो दादा दादा थोड़ा पीछे आओ क्वेश्चन पूछो आप लोग कुछ सवाल तो अच्छा करिए ना क्या सवाल करते रहते हो वही सवाल वो मैं ही फिर बोलता रहता हूँ हाँ मेरी घायल वंस अगेन आ रही है इट्स कमिंग ऑन 5th February और ऑब्वियसली गॉसिप पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बोलते हैं आपकी पिक्चर शिफ्ट हो गई तो उसके बारे में भी कुछ कही है तो मैं उसके बारे में भी कुछ कह देता हूँ मैंने मेरी फिल्म को आई हैव टेकन 2 years इस पर बहुत मेहनत की है पिक्चर पर
और मैं नहीं चाह रहा था कि क्योंकि मेरी पिक्चर जब तक मैं खुद उसे खुश ना हूँ तब तक रिलीज़ ना करूँ, इसी वजह से मैं इसे 5th February तक लेकर गया हूँ। और क्या पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे? हाँ, कोई एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन तो मुझे पता नहीं क्या है लोगों की, लेकिन मैंने अपनी फिल्म बनाई है इसी उम्मीद से कि जैसे मैंने अपनी पहली घायल बनाई थी, मुझे कहानी पसंद आई जिस पर मैंने काम किया, और फिर उसे बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन तो हम अपनी क्रिएटिविटी को उसमें रखते हुए और अपनी एक्सपीरियंस को रखते हुए हम पूरा उस पर लगा रहा हूँ कि आज जो हमारी सोसाइटी में है 2015-2016 में, तो वो चीज़ों को मैं बाहर ला पाऊँ। जैसे वो घायल में भी आई रिफ्लेक्टेड द सोसाइटी 1990, तो इस वक्त भी मैं 2016 की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। एंड बस यही कह सकता हूँ कि उस वक्त भी मुझे पता नहीं था लोगों को क्या पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपनी पसंद की तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, और तब भी एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। उम्मीद ये है कि इस बार भी रिज़ल्ट अच्छा है। जब पूरी फिल्म यूथ के ऊपर है तो डेफिनेटली पूरी फिल्म देखिए, हमारी जो सोसाइटी है ये सोसाइटी आगे प्रोग्रेस करती है, जो भी हम लोग करते हैं हम बच्चों के लिए करते हैं, दैट इज़ द यूथ ऑफ आवर्स, और वो यूथ जिसे हम पालते हैं बनाते हैं तो एट अ सर्टेन एज तक वो उसे हम सब अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी है ये है, तो उस तरह से हम लोग बाहर निकलते हैं, और लोग जब बाहर आते हैं दुनिया के अंदर तो पता चलता है कि जो बताया गया उसमें से कुछ बातें सही थी कुछ थी नहीं, और इस तरह से जीना मेरे लिए भी मुश्किल रहेगा, तो वो अपनी ऑल्ट्रेशन करने लग जाते हैं जिससे हमारी सोसाइटी बदलती रहती है, एंड वी स्टार्ट इवॉल्विंग एंड वी स्टार्ट चेंजिंग एंड अडेप्टिंग टू द डिज़ायर्स ऑफ द यूथ विच इज़ कमिंग आउट एवरी ईयर। सो डेफिनेटली तो सिनेमा भी वो लोग ही ज़्यादा देखते हैं, सो इट्स बेस्ट टू हैव समथिंग विच इज़ वेरी रेलिवेंट टू देम जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकें, और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं अपनी फिल्म में आई ब्रिंग अक्रॉस थिंग्स जहाँ पर आपके पेरेंट्स हों, आप खुद हों, आपके बाकी भी रिश्तेदार हों, तो जब वो देखें तो उन्हें उसमें से कोई ना कोई कैरेक्टर में से उन्हें अपनापन दिखना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ वाकई में हम कुछ इस तरह के हैं। देखिए उस वक्त जब मेरी फिल्म थी उस वक्त प्रमोशन के तरीके ये नहीं थे, अक्सर फिल्म हम लोग सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पिक्चर दिखाते थे, उसके बाद फिर वी यूज़ टू सिट डाउन एंड टॉक विद द मीडिया। अब पिक्चर दिखाएं या ना दिखाएं उसके पहले ही हम शुरू हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आज की दुनिया में आज की सोसाइटी में दिस इज़ नॉर्मल थिंग नाउ, एंड नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता कि इस नाम की कोई फिल्म आ रही है, तो वो सिर्फ उन्हें बताना, लेकिन उनका मैं ये इंटरव्यू देके उनसे वो मेरे इंटरव्यू से वो पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, उन्हें जब मुझे ट्रेलर पसंद आया हो या उन्हें लगता है कि सनी देओल की जो फिल्में हैं ये शायद कुछ अच्छा लाएगा तो हम देखने जाएं, तो कोई उनकी अपनी एक वजह बनती है, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी फिल्म आ रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स नथिंग एज अ फेवरेट, बिकॉज पूरी फिल्म मेरी एक सब्जेक्ट है जिसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ जो सोसाइटी को लेकर रहा है, तो ऐसा कुछ एक नहीं कह सकता, बट डेफिनेटली सब कैरेक्टर्स बहुत ही आज की सोसाइटी में रेलेवेंट हैं, आप उन्हें पहचान पाएंगे, आप खुद को उसके अंदर पाएंगे किसी ना तो किसी कैरेक्टर को। ओके फोटोज हो गए, छोड़ क्या चलो।
डायरेक्टर का डिसीजन सर आपने अजय मेहरा के साथ फुल जस्टिस के लिए लिया या फिर आगे डायरेक्शन कंटिन्यू करने का प्लान? मैंने पता नहीं क्यों किया है, लेकिन डेफिनेटली पिक्चर बनाने के लिए किया है। अब एक्टर हूँ और इस पैटर्निटी से इतने सारे से हूँ, और डेफिनेटली ये सब चीज़ें इसलिए की हैं क्योंकि दिल कर रहा था कुछ करने को, अलग करने को, तो पूरी कोशिश की है। Hi Sunny, I'm Pankaj from Parna Shivar. Do you plan to make Ghayal a regular franchise? Like I said, I mean, plans, it's very difficult to discuss plans because, you know, फिर बाद में आप लोग बोलोगे आपने तो ये बोला था, अभी किया नहीं, तो उसे भी डर लगता है। अंदर मैं चाहूँ तो मैं ढेर सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन फिर बाद में you all will question me for that. But फिलहाल let's just see के ये हमारी जो फिल्म है, how it goes, and then it tells, वही आपको बताएगा कि अगला कदम क्या लेना, कैसे लेना, क्यों लेना। And reports have just come, sorry this is different from Ghayal, but reports have just come in that Amitabh Bachchan and Priyanka Chopra will be replacing Aamir Khan as Incredible India's brand ambassador. So what do you have to say on that? I'm here just for Ghayal once again. बच्चों के साथ काम कर रहा था, बड़ा मजा आया, दोनों मेरे बाजू में इस वक्त, बाकी दो आए नहीं आज। इट वाज फन, लाइक आई सेड, मजा ये आया कि आई हैड टू इंटरैक्ट विद सो मेनी डिफरेंट एक्टर्स एंड आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग अक्रॉस इतने अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स ओवर देयर, और वो करने में और उनके साथ इंटरेक्ट करते करते आई वाज डिस्कवरिंग कि मैं उनसे और क्या निकलवाना चाह रहा हूँ, दे वर डिस्कवरिंग के व्हाट इज इन माय माइंड रिगार्डिंग दैट कैरेक्टर। तो इट इज आपको उसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि क्या नहीं है। देखिए कुछ ज्यादा बदला नहीं है फ्रॉम द वे वी प्रोग्रेस इन आवर डे टू डे रूटीन। इट इज जस्ट बिकॉज हिस्ट्री होती है तो हमारे पास अवेयरनेस है, हम इतनी पिक्चर्स देख चुके हैं, पर करते फिर भी हम वही चीज़ें हैं, वैसी ही हरकतें हैं हमारी, सब कुछ वही चलता है। इट्स जस्ट लाइक लॉज आर मेड टू बी ब्रोकन। सनी सर एक सवाल, सनी सर हाँ सर, आप 35 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में 80s से काम कर रहे हैं, 80s के दौर से लेकर अब तक आप क्या देखते हैं कि एक्शन जिस तरह से शूट किया जाता था 80s 90s में और अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, तो कितना फर्क आया है और आप पर्सनली क्या सोचते हैं इसके बारे में? Definitely creative assets bahut ban gaye aajkal to help us to do certain things, and special effects se leke even from the help for doing actions bahut safe ho raha hai, which is the must we should be having that, because when we were doing it usko kuch nahi tha, bas kabhi main to zyada apni back hi to wahi hai. But aaj ke zamane mein I think there's all these things are really very very helpful, and they make it simpler, because end of the day parda par hum log jo kar rahe hain, that is not reality, we are like that, but that is a character we are portraying, to uske andar action mein bhi hume aisi cheeze karne ko easy ho jati hain, special effect ke sath cheeze bahut easy ho jati hain, because this is we come into this room into a dream world and we know it is not real, but we want to get caught into it. सनी जी, लोग ऐसी अक्सर बातें करते हैं कि हम आपको रोमांस करते हुए नहीं देखते, डांस करते हुए नहीं देखते, कोई खास वजह? मुझे रोमांस करते ही नहीं देखते। हाँ, लोग ऐसी सोशल नेटवर्क की मीडिया पे लोग ऐसी बातें करते हैं, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? मींस रियल लाइफ में या पिक्चर में? पिक्चर में नहीं देखते, पिक्चर में, पिक्चर में। फिल्मों में, हर फिल्म में रोमांस तो होता ही है, अलग अलग तरह का होता है, बस यही कह सकते हैं, पर हर फिल्म में रहा है, कोई कौन सी फिल्म है जिसमें रोमांस नहीं था? सब फिल्मों में होता है, बट सिर्फ रोमांस नहीं होता, पूरी कहानी होती है, पूरी एक चीज़ होती है, रिलेशंस होते हैं, बाकी भी कैरेक्टर्स होते हैं, सबका इंटरेक्शन होता है, लाइक हाउ यू वुड खुद अपने परिवार के साथ होगे तो बाकी चीज़ें भी झेलते हो सिवाय रोमांस के। तो इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा था जिसने शूटिंग के दौरान आपको बहुत परेशान किया? तम तो चारों ने किया था। एक को तो मैं क्रेडिट नहीं दे सकता, ऑल ऐसे तंग किसी ने नहीं किया, किसी ने मुझे फिल्म में ऐसे, मैं कोई तंग नहीं हुआ हूँ, नहीं तो मेरी फिल्म में यहाँ पर मैं उसको सामने खड़ा कर देता आपके सामने।
इसने मुझे तंग किया, प्लीज इसे सजा दीजिए. सनी सर या दो सवाल है मेरा आपसे. पहला तो ये कि आप मीडिया से हमेशा दूरियां क्यों बनाए रखते हैं, दूसरा सवाल ये कि क्या कई सालों से ये नोटिस किया गया है कि आप अपने होम प्रोडक्शन की फिल्में करते हैं, क्या बाहर से ऑफर नहीं होती है या आप करना नहीं चाहते? बाहर से ऑफर नहीं होती. ये अच्छा आंसर है बिकॉज थोड़ा मसालेदार है. और दूसरा सवाल ये कि मीडिया से दूरियां क्यों बना के रखते हैं? मीडिया से दूरियां कहां बनाई? देखिये आप लोग हैं, आपसे मैंने उसके अलावा मैं कहीं ज्यादा बात जाता नहीं हूँ, सोशलाइजिंग नहीं करता. करता हूँ डेफिनेटली आई वुड इंटरैक्ट, एंड जैसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म के बाद मैं आई बी लॉन्चिंग माय सन, तो आई विल बी इंटरैक्टिंग, उसके बाद फिर और भी चीज़ें कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन रहेगा. और आप देख भी रहे हैं मैं थोड़ा सा खुल भी गया हूँ, तो मेरे को लगता है मैं करूँगा थोड़ा बहुत. सनी सर, फिल्म में बॉबी का या फिर धर्म जी का कोई कैमियो देखने मिलेगा? नहीं, नॉट इन दिस रोल, नॉट इन दिस रोल, आई एम सॉरी. बलवंत राय और बंसल फेवरेट कौन सा? फेवरेट विलन यार, ऐसे फेवरेट तो कुछ होता नहीं है, बट ऑब्वियसली एज ए अमरीश जी इज समथिंग व्हिच इज फॉरएवर एंड एवर, सो अमरीश जी विल ऑलवेज बी देयर. सनी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी आपने बोला कि आप अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं, और तो क्या फ्यूचर में आपको धर्म जी को और आपके बेटे को एक साथ स्क्रीन पे देख पाएंगे? Why not? जरूर हम, कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो? नहीं, 100% स्क्रिप्ट. देखिए हर चीज स्क्रिप्ट के ऊपर होती है, अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक कहानी नहीं सबको अच्छी लगे तो उसका होना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बट जरूर, क्यों नहीं, मैं तो खुद चाहूंगा, बिकॉज इट बिकम्स इट विल बी सो ब्यूटीफुल. बट दिस टाइम वी एक्सपेक्ट अपने लाइक मूवी और थ्री ऑफ किसी चीज के लिए ना नहीं करता, एज लॉन्ग एज इट इज क्रिएटिवली इंटरेस्टिंग डेफिनेटली आई विल डू इट. बट आप लोग देखना चाहोगे मुझे बुरा? एकदम गंदा हो गया तो बहुत गंदा हो जाऊंगा. सनी जी, आप कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को लॉन्च करने वाले हैं, तो अपनी तरफ से किस तरह की टिप्स दे रहे हैं उनको, क्या चीजें करनी चाहिए क्या चीजें नहीं करनी? देखिए टिप्स तो हम लोग कभी किसी को देते नहीं, बट ये अच्छा लगता है बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि टिप, आई मीन बेसिकली क्या हम लोग, he's grown up with in the house with us, all of us, so definitely he is grown up knowing what has to be done and not to be done. As a father, basically hum apne bachchon ki puri koshish karte hain ki jo bhi wo karna chahe, we are there to support them, we are there as solid support to them, and but meri hamesha unse guidance hai, do what you want to do, not what I want you to do, because I did what I wanted to do and that's where life should be. Sunny sir, I have a question for you, sir, right here. Sir, in a tabloid today on 6th May, something was printed related to your family, sir. And it was highlighted saying that Tanya, they were ordered not to touch family firms' investments. So anything would like to comment on that, sir? No, not really, because like how you also Thank you. जैसे मैं एक बात कहनी है मैंने आप लोगों को, जैसे मैंने आपसे शुरू में किया, तो please carry on, be my partner, help me till the fifth, और उसके बाद पिक्चर जैसी लगेगी फिर जो मर्जी लिखना. We always with you, sir. Yeah, I know that. I love you all. I love you all. अरे फोटोग्राफर, अरे स्टिल, अरे बैठो ना जरा, भाई थ्री शॉट हमको भी लेने दो. हमको भी मिलेगा थ्री शॉट, अच्छा रहेगा ना? इतना दूर से लिया हो, जो पिक्चर लिया हो, देखा मैंने, देखा दादा दादा क्या हुआ, क्या हुआ सर, क्या हुआ स्टील जरा बैठ जाओ, हम लोग लेते ट्रेलर वन.
स्टैंडी हटा दे स्टैंडी अरे भाई तो बैठ जाना फिर बैठ जाना अरे बैठ जाओ यार साइड में हट जाओ भाई बैठ जाओ ना भाई It's been out since like 3 months. It came out first for the in October, and you're supporting us. Yeah, and thanks to you, even we've become a little famous. Little. So to reward you guys, we have a new trailer to show you. This is the full trailer of Ghayal once again. It has more story, more content, more action. So I hope you guys like it. Without any further ado, let's have the trailer then. Yeah. Wow. Wow. Goosebumps. Do you guys like it? Okay then, so let's have the man himself. Who has written, directed, and lived the life of Ajay Mehra once again, Mr. Sunny Deol. Woo! Let's open the floor for question answers. Hello, everyone. So far, so good. जैसे आप लोगों से last time कहा था, आप लोगों ने मेरा साथ देना. फिलहाल अब तक तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया है. बस अब 5 फेब तक डटे रहिए. फिर आगे पिक्चर करेगी जो उसने करना है उससे कुछ फर्क पड़ता है 15 को या 5 को आई डोंट थिंक रियली एक्चुअली हम तारीख तो देते हैं हमेशा लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस कितनी बार हम लोग आगे पीछे रह जाते हैं कोशिश हमेशा एक्चुअली मैं अगली बार तो तारीख ही नहीं दूंगा जब तक मेरी टेक्निकली आई एम नॉट कम्प्लीटली क्लियर विद इट बिकॉज उसके बाद फिर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ती है बट डेफिनेटली लेट देयर बी अ पॉजिटिवनेस टू इट एंड और तो कोई रीज़न नहीं है देयर इज नो अदर रीज़न ये नहीं मैं कह सकता कि आई डोंट नो मैं क्या कहूँ क्या इसके अलावा बस यही कि डेफिनेटली वी आर कमिंग ऑन 5th फेब एंड जो भी टेक्निकल हिचेस थे सब ठीक हो गए हैं एंड देयर वी आर हाय सनी सर आई एम फ्रॉम द बस डायरी ओवर हियर अजय मेहरा इज बैक एंड वी आर लविंग इट सो हाउ रीलोडेड इज अजय मेहरा इन घायल वंस अगेन Well, whatever you'll have seen, if you all feel he is reloaded, he is reloaded. Yeah. Definitely. Is there any other character of yours you want to have a sequel for? Well, like I always say characters. That this is my basic acid test. A picture lag jayegi, uske baad I will know actually ke sabko kis tarah se lagi aur mujhe bhi confidence mil jayega ya main phir se jaake nahi baith jaunga film mein banaun aur phir definitely There's a lot of things which are there in my mind, but tab baat karenge. Sunny sir, सबसे पहले congratulations for the trailer. Trailer is very, very good. मेरा सवाल आपसे है कि आपने हमेशा से सोचा था कि पहले 2 teaser release होंगे, फिर एक full trailer आएगा, या ये due to the delay आपने ऐसा trailer डाला है? और if yes, आप पहले फिर मेरा second question भी है, आप बोलिए. नहीं, हम लोग trailer दूसरा भी डालने वाले थे पहले, but we were supposed to bring it out somewhere in the first week. Second and third, I was going to have a press conference. I was supposed to do everything. But technically, like I said, we held back. And then definitely, it's
दो हफ्ते पहले ही चीज आए उसके पहले आई हुई ऑलरेडी और गाना भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये डिले से हमें फायदा इस चीज का हुआ डेफिनेटली एक अवेयरनेस बढ़ गई दूसरा मेरा जो गाना था लपक झपक has caught on with the youngsters jo mujhe kaha jata hai to main manta hu okay aisa conception bhi hota hai sir ki zyada trailer dikha dena matlab do ya teen trailer dikha dena story kafi unfold kar deta hai aur itna matlab excitement nahi rehta so what do you want to say about it well kya kahe abhi because bahut cheeze kahi jati hain there's no definite rules and regulation if you ask me because kabhi main to I'm a believer ki kuch bhi main dekha hu but जिस तरह से आज हमारी जो हमारा माहौल जो चल रहा है वहाँ पर अक्सर बहुत चीज़ें दिखा देते हैं पर फिर भी मैंने काफ़ी कंट्रोल रखा है देखिए जैसे इन्होंने कहा मत दिखाओ ज्यादा तो आप क्यों सिनेमा में जाके देखो ना प्लीज सिनेमा में देखिए उसके बाद फिर आप लोग बताइए कि क्या है बिकॉज नहीं तो फिर सिनेमा में नहीं जाओगे तो टिकट नहीं खरीदेगा तो पिक्चर कैसे बनाऊंगा मैं अच्छा लग रहा है जो आप कह रहे हैं डेफिनेटली मैं चाहूँ तो ऐसी पिक्चर रिलीज कर दूँ कुछ भी ना करूँ बट इतनी मेहनत की है इतना कुछ किया है तो डेफिनेटली सिनेमा में जाके लोग देखें और फिर उसके बाद जो होना हो सो हो आप लोग ऐसी ऐसी चीजें बोल के मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं बट डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि डैन ब्रैडली बिकॉज जैसे आप देख ही रहे हैं और जैसे मेरी पहली फिल्में भी थी उन्होंने मेरा इनिशियल एक्शन हमेशा अच्छा हुआ करता था स्क्रीन पे होता था एंड बिलीवेबल होता था तो दैट्स व्हाई आई नीडेड टू ब्रिंग इन डैन ब्रैडली बिकॉज उनकी जैसे ही फेमस फॉर द फिल्म्स जो आप सब देख ही चुके हैं बॉर्न अल्टीमेटम आइडेंटिटी और भी ढेर सारे सो एंड ही इज रियली डन अ ग्रेट जॉब एंड वी जेल्ड वेरी वेल वी वाइब वेरी वेल एंड काफी अच्छा है बट Let's see on the 5th of February, aap log dekhoge and then uske baad I will definitely meet you all and we'll have a chat and I hope it's an interesting one. Sunny sir, we have seen you in doing all sorts of action. Which was the most difficult one for you to just bring it out? We have seen the intense action. Any one particular scene which was very difficult for you to get in? You see, the difficulty is not the basic thing because, like I do these things because for me it's a thrill. It's a basically adrenal thing. Difficulty आजकल तो थोड़ी सी भी हो जाती है because back इतनी देर तंग करती है कभी-कभी तो difficulties हो जाती हैं but जैसे होता है ना जिस चीज का आपको प्यार और शौक हो तो उस वक्त आदमी आगे बढ़ता है. Hi, congratulations for the trailer. It's right here, straight on your right. Hi. Congratulations on the trailer. It looks really, really amazing. Soha Ali Khan is also the part of the film, but off late, I think she's not been promoting the film, and today also she's not there. Can you tell us some specific reason why she's not there? There's no such specific reason. I would love to have everyone over here, but then you know nowadays everybody is so tied up with so many things. Sometimes we are available, sometimes our schedules open each other, and on a particular day they were available, then they are not available. So it chalta rehta, but there's no other definite reason. सनी सर यहाँ से 5th को फिल्म रिलीज हो रही है लास्ट का जो एक वीक होता है फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं स्टार्स अपने रिलीज से पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी किस तरह से प्रमोट करेंगे उस एक हफ्तों में कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज तो नहीं है जो बाकी नहीं करते ऑब्वियसली मैं अभी शुरुआत आज से हुई है तो नाउ एवरी डे आई विल बी गोइंग डिफरेंट प्लेसेस एंड ट्राइंग टू डू व्हाटएवर आई कैन और लेट्स सी जो भी होगा मीन एवरी डे आई विल बी डूइंग समथिंग आई विल बी विजिटिंग द होल कंट्री एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सो जहां जा भी जाकर मैं कुछ कर सकूं ओके द मोमेंट वी सी द ट्रेलर इट कम यू नो धर्मेंद्र प्रेजेंट
Is there any chances we can see Dharmender Saab promoting the film? Because we have never, you know. and we all love him, you know. Whenever he's there in front of media, we'll all love him. Definitely, my dad. Dad loves all of you all. And definitely, next time I'll definitely have him along with me. And he will 100% will be there. It's just what we want that your son will take you forward. So that's why we're a little behind. Otherwise, Papa and Bobby, we all stay together. Sunny sir, एक सवाल कि क्या धर्म जी ने फिल्म देखी और कैसी लगी उन्हें? देखी मेरी फिल्म, पापा ने पूरी तो नहीं देखी, he's seen bits and pieces and उन्हें अच्छी लगी है and he's liked it. Definitely he has some points which are creative points जो which there's no point me discussing right now because आप लोग जाना चाहोगे लेकिन मैं नहीं बताना नहीं चाहूँगा. But definitely, that is something which we always hota hi hai na. And but he is feeling very positive about it. Zani sir, आपने जब first घायल किया तो आपने सिर्फ acting की थी. इस बार आपने writing भी की, acting भी की, direction भी किया. तो सबसे best part क्या लगा? Acting, directing या writing? I think sab ikatthe ho jate hain but definitely as a writing and direction was something which was really beautiful. I enjoyed it this time because is waqt maine is baar main soch samajh kar aaya tha ki maine ye karna hai aur kyun karna hai, the reason behind it. So I enjoyed every moment of it, every bit of it, directing people, interacting with people, writing, jo bhi experience aaya hai life ka, putting it across, you know. So as a director, as a writer, that's what you can do. You can put it across. As an actor, you're just doing one character. Here, I'm trying to interact all different characters and try and justify them all. So it was fun. देखिए फर्क की बात नहीं है because you're going along with it. ये नहीं मैं अचानक एक दिन इंडिया आ गया हूँ अभी तो सब चीजें अलग लग रही हैं. ऐसा नहीं है, we have seen it all and then as a writer and director I'm basically trying to bring it across कि मुझे आज की सोसाइटी को मैं कैसे समझता हूँ और मैं कैसे उसे दिखाना चाहता हूँ. तो मैं बोल तो काफी कुछ रहा हूँ. I hope all this is there in the film. A male-dominated dais. The girls are missing. You're part of me, na? Sir, जी 2016 के लिए आपके लिए क्या-क्या preparations हैं, तैयारियां हैं? 2015 से 2015 कैसा गया आपका? आप क्या-क्या plan कर रहे हैं इस साल के लिए? 2015-2014 मैं अपनी घायल में ही लगा हुआ था और 2016 की beginning में इसका देखना कि what kind of a delivery I have. जो चीजें मैंने पहले की थी मैं सोच रहा हूँ कुछ और ऐसी या कुछ नई चीजें निकले जैसे आप अगली बार को कि ऐसी पिक्चर होनी चाहिए. 2016 में फिलहाल तो अभी मैं अपने बेटे को लॉन्च करूंगा पर उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा. You have faced many difficulties while making this film and while you know scripting the film. What was the one thing that kept you, you know, you have to make the Ghayal once again, a sequel of Ghayal? What was the one spirit that you want to name it or you want to define it? I think that's something what I am basically, you know. Main ek cheez pe lag jata hu fir hatta nahi hu. Aage jaake natija kuch bhi nikle lekin jab tak main use wahan tak na pahuncha do to main I don't stop. So that is something which achhi hai ya buri cheez hai wo mujhe nahi malum lekin that's something which I have. Okay, youngsters के साथ आपने मतलब इनके साथ काम किया, debutants के साथ आपने काम किया, तो आपको कभी अपने अर्जुन के days आपको याद आते थे जब आप इनके साथ shoot करते थे या इनको direct करते थे? हाँ, definitely because इसमें मैंने जो characters बच्चों के लिए हैं because मैं चाह रहा था कि 17 साल के बच्चे हों और उनकी जो because आज की दुनिया में जितने भी बच्चे हैं और जब हम भी थे तो वो एक उम्र होती है जहाँ everything is black and white और black and white means lots of Arjuns. So that's what I was looking for bachcho ke beech mein, and that's how I have these four kids with me. Sunny here, Lipika. How are you? I'm fine, Lipika. Yeah. Were you a strict director or a lenient director? Halla pande si tusi? Halla hula tha mainu na pata nahi because I look like as if I shout a lot and I scream a lot. But usse kya ho jata hai, kaam kharab ho jata hai.
So I was very patient. That's what I've understood doing films is to be as patient because then दिमाग कहीं और चला जाता है जो चीज करने जा रहे हो वो भूल जाता है आदमी सो आई एम श्योर दे द किड्स विल आल्सो एग्री विद दैट ऑब्वियसली ही वाज वेरी स्वीट कोई सिलाब पुकार नहीं था बहुत प्यारे थे दैट्स इट सो इज वेरी काम व्हाट यू सी ऑन स्क्रीन वैसे नहीं है अच्छा सनी ओके सनी जी अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हैं आप अपने बेटे के बारे में बात करूं पर आज नहीं फिर मेरे को कोई नहीं देखता मुश्किल ये हो जाती है कि मैं जो दूसरों से करवाना चाहता हूँ वो खुद से करवाने में मुझे दिक्कत होती थी लेकिन मेरी जैसे कहा टीम बहुत अच्छी थी तो वो टीम के साथ मैं कर पाया जो करना चाहता था खबरें तो बहुत कुछ थी लेकिन वो है नहीं शी इज नॉट देयर इन दिस फिल्म देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये फिल्म पहली वाली जो थी दैट वाज पोर्ट्रेट अजय मेहरा व्हेन ही वाज 25 27 जो उसकी उम्र थी उस वक्त एंड ही वाज अ यंगस्टर तो उस वक्त की जो उस सिचुएशन थी तो द फिल्म वाज मेड विद हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ हिज फैमिली और चीजें से बिछड़ रही हैं अब मैंने लिया है कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा सो definitely I've been basically meri puri koshish rahi hai ki main is film mein 2015 ko dikhau aur jo hum hain aaj aur agar Ajay mera hai is society mein to wo is tarah se hoga charo bachche logon se main puchna chahungi jo hain yahan pe youngsters aisa to ho nahi sakta ki director jo hai wo direct kar raha aur bahut hi kaam hai kabhi koi Sunny ko gussa aaya ho aur aap logo ne kuch jhela aur aap log dar gaye ho kyunki मुझे बच्चों के साथ काम करना है आई विल हैव टू हैव पेशेंस एंड देयर नेवर बीन एनी रकर्स और एनी हश हश सिचुएशन ऑन द सेट ही इज ऑलवेज बीन कूल एंड काम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर लाइक द वे ही एक्सप्लेन्ड अस एवरीथिंग वाज सुपर्ब So, उनका जो डायरेक्शन है हम लोग को तो लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव लर्नड फ्रॉम हिम टू बी ऑनेस्ट इट्स अ परफेक्ट वे टू स्टार्ट आवर करियर मतलब आप लोगों का कहना है कि जानकर बड़े शांति थे क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अगर जोर से आवाज भी करूं तो आप लोग डर जाएंगे नो वैसा नहीं गलत मत समझिए ऑनेस्टली इट वाज वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि वो पूरे सेट पे सबसे काम होते थे And he was obviously being a director, he was the most passionate about the film. So for a person to be so passionate and still remain so calm, I mean, I was just learning from watching him be like that. जब वो होता था मैं उसका रीमेक कर रहा होता ना सो मैं रीमेक नहीं कर रहा हूँ जैसे मैंने कहा कि मैं ये पकड़ रहा हूँ कि आज 2015 में अजय मेरा क्या कर रहा होगा क्या उसकी सिचुएशन होगी इन द सोसाइटी आई जस्ट से कि मैं इतने सालों में आई बीन ऑब्जर्विंग यू या फिर लोग कहेंगे कि आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो बट यू आर द मोस्ट काम पर्सन आई फील लाइक आई स्टिल वेरी डाउन टू अर्थ एज ए लाइक न्यू कमर हो तो डेफिनेटली दैट कम्स रियली ऑन द स्क्रीन पर मतलब आप टोटली डिफरेंट हो जाते हो So I really don't feel like that you are a just like person in fact, like, you know, that's what I try to feel. What have you to say about this thing? Like, what keeps you What so keeps me, I don't know. I really don't know. That's the way I am. I just basically, I love work and I want to enjoy my work and I want the work to be brought across the, in a right way or janta tak pahunchun, sab logon tak pahunchun or because नोइंग अनोइंगली जब से मैंने शुरू किया है जो फिल्में की हैं वो लोगों के दिल में अभी तक हैं क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई थी कुछ कैरेक्टर्स अच्छे थे रियल थे और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इतने लोग उसके बारे में कहेंगे या इतना सक्सेस होगा मुझे कुछ नहीं पता था
So that's the way I have been, and that's the way I want to carry on, because that's what I love, and I'd rather do something what I love than do something what I am not. That's why we call them, we have action coordinators, we have special effect guys. So most of difficulty was that sequence ko cutne mein hame kam se kam hafta ya 10 din lage the to organize it and to get it to that perfection, because sab cheeze ek saath ki thi hum logon ne, and eventually it's just one shot and it happened. I could reach out to the people and I have justified it. And definitely I've got quite a lot of films in my characters bahut interesting the. So that will give me encouragement to bring them across, and aap logo bhi samajh mein aa jayega ki main sirf for the sake of it nahi karunga, as long as I can get the soul to it. Sunny sir, congratulations for the promo. It's very like brilliant promo. And aapne bachcho ke saath kaam kiya, jabki hamare yahan bahut kam log bachcho ke saath kaam karne ke liye ya youngster ya teenagers par base ye survey la rahe hain, bahut kam filmen banti hain. Aapko kya wajah lagti hai, kyun log bachte hain? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है क्या आजकल वी आर ऑल बिकम वेरी कमर्शियल एंड हर चीज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन कितना पैसा आएगा, कितना बनेगा, उस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं. कोई उस हिसाब से नहीं बन रही है कि मुझे ये कहानी पसंद है, आई वांट दिस टू बी मेड, बिकॉज वो लेक कहानी पसंद उसे हो और लेकर जाएगा कि उसने बनानी नहीं जब तक एक्स वाई जेड आर नॉट देयर इन इट, और फिर बाकी और चीज़ें ना हो, देन द स्टूडियो विल वांट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टू बी एडेड ऑन टू इट. तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है. तो इसी वजह से बच्चों की फिल्में या कुछ इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं. लेकिन बट आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग सिनेमा टू मच, बट देयर हैव बीन लॉट ऑफ यंगस्टर फिल्म्स कमिंग आउट, इफ यू आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम श्योर देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ देम कमिंग आउट. और उसके अलावा भी हम बूढ़े होकर भी हम लोग फिर भी टीनेज फिल्म करते हैं. तो टीनेज तो कभी जाता नहीं है. सर, तस्वीरें लीक भी हुई थी जब बैक रोड पे आप शूट वगैरह कर रहे थे, तो उन चीजों को कैसे आप ले रहे थे, क्योंकि आपकी कई तस्वीरें लोखंडवाला बैक रोड से. अभी देखिए, इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज कितना मैं कोशिश करूं, जैसे हम लोग गाड़ी में भी जा रहे होते हैं तो कोई ना तो कोई आ जाता है बाजू में, फोटो खींच लेता है, एंड कुछ नहीं कर सकते. तो दिस इज द सोसाइटी, दिस इज हाउ वी आर लिविंग टुडे, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड देन फाइट अबाउट इट एंड क्रिब अबाउट इट. एंड प्रमोशन पे आप किस तरीके से ध्यान दे रहे हो, मतलब एग्जैक्टली क्या होगा? अभी आप मेरी टीम है, आप लोगों के साथ मैं बैठूंगा, कोशिश करूंगा क्या मुझे करना चाहिए, मैं वैसे ही लेके जाऊंगा, बिकॉज मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है इस फिल्म में, और मैं चाहूंगा कि वो मेहनत आजकल जनता को स्क्रीन पर लाने के लिए बहुत जरूरी है. और दैट इज नॉट क्रिएटिव, बट वी विल ट्राई टू डू सम क्रिएटिव वर्क. सनी सर, इधर सर, जिस तरह का माहौल आजकल देश में चल रहा है, और आपने कहा कि आपकी जो फिल्म का लाइनअप है वो सिस्टम के खिलाफ है, तो आपको लगता है कि जो एक आम आदमी होता है वो आपके अंदर एक अक्स देखता है अपना, इसीलिए फिल्में आपकी पास में चली और ये फिल्म में उसे एक रीजन होगा वो चलने का? इट्स बेसिकली जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, दे हैव बीन बेसिकली उस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं. और ये फिल्म ये सिस्टम से कुछ लेन देन नहीं है, इट्स बेसिकली टू डू विद अस आवरसेल्व्स. हम हर फैमिली, हर तरह की फैमिलीज होती हैं. सो मैंने इस फिल्म में अलग अलग तरह की फैमिलीज को पकड़ कर और सबका एक सोर पॉइंट पकड़ के फिर मार के लेकर गया हूँ. बेस्ट इज लेट द फिल्म रिलीज ना, फिर मैं मुझे भी पता चलेगा कि मैं पहुँच पाया आप लोगों तक या नहीं. पापा ने थोड़ी बहुत देखी है, पूरी नहीं देखी, क्योंकि कम्प्लीटली रेडी भी नहीं अभी, और मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा टिल हैव ऑल माई स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग रेडी, तब दिखाऊँगा. और आई एम श्योर पापा हैज ऑलवेज लव्ड व्हाटएवर आई हैव डन. Even if it's not good. Anji? There is Soha in this film. She is there, definitely there. But it is not... ये कहानी आप लोग बोल रहे कुछ इस तरह की कहानी क्यों नहीं बनाते, तो ये कहानी को अप्रिशिएट कीजिए जब आएगी, फिर मुझे पूछिएगा क्यों नहीं है और क्यों है और क्या है. सनी, डू यू नॉट लुक इनटू सम इनपुट्स फ्रॉम पापा?
Have you gone ahead and asked him something? I'm born in the house. So from birth onwards, there's been a lot of inputs in coming in, which one doesn't have to ask. I've grown up like that. I'm full with inputs. Okay, guys, I think any more questions? The last question, anybody? I think that's a wrap. Thank you so much. First and all, happy Diwali to all of you all, and wish everybody all the best, all the viewers jo dekh rahe hain. And bas yehi keh raha hu ki for me, Diwali is bringing my promo out, and then in Jan, I'll see you all again. Thank you. Still, अरे यार अरे क्यों हो रहे क्यों हो रहे वीडियो के लिए क्यों हो रहे बस है बस काली बस अरे अनिल बस ना अरे स्टील वालों दिल वालों कब बनोगे हमारे साथ ऋषभ है ऋषभ आजा भाई We have Achal, Achal please. And we have Anna. Come on. So, bhai log, sachi mein ye log hero hai is movie ke. Theek hai? And we have Rishabh and we have Rishabh and we have Shivam. Shivam and Rishabh, mere ko ek baat batao. Since you are the oldest on the sets as the heroes. ठीक है तो जब मूवी में काम कर रहे थे एंड यू वर वर्किंग विद सनी बाजी सो हाउ वाज द एंटायर थिंग दैट वाज गोइंग ऑन दिमाग में क्या चल रहा था यार बिकॉज फुल 90s के एरिया से तुम लोग निकले हो यू सीन सनी बाजी एंड देन यू वर्किंग विद हिम तो कैसा था And Shivam, how was it with you? Honestly, he's one of the most intense actors I've ever seen in my life. So to be directed by somebody as amazing as that, it was one hell of an experience. What else can you ask for as an actor? Awesome. And Achal, let's ask you a question. So entire working experience with these guys, with Diana and Sunny Sir, how was it? It was very friendly with all three of us. We've actually evolved as friends. With sir, yes, I used to always look up to him because जो sir intensity के साथ आपको बताते हैं मतलब you really feel like doing it कि सानी साने करने बस ऐसे ही कर दो तो short के बाद I would just look up to him कि हाँ sir ठीक है okay sir की approval yeah but then sir ने बहुत अच्छे से explain किया and it was really nice friendly awesome and since it's Ghayal once again हमको मालूम है कि इस movie में action होने वाला है so action करते समय क्या था पूरे दिमाग में क्या चल रहा था पूरे दिमाग was like oh shit abhi ho jayega abhi gir jayenge abhi we had cycling shots and main aur shivam kar rahe the to chote lag rahi thi real ki wo dard aa raha tha bar bar sari sab ko dekh sari sab smiling haan chal acha ho gaya method acting sir method good good stuff So, sets pe jab tumhara jo movie jo hai, theek hai, and when it goes, it advances, ek time aata hai jahan aap Sunny sir ko bulate ho, okay? So, sets pe in character, when you were there so how you used to address sunny sir ki ajay mehra karke bulate the sunny baji karke bulate the sunny sir karke bulate the to ek bar character mein sunny sir ko awaz laga do to shayad wo podium pe aa jaye so call ajay sir right hello hello ajay sir sunny sir jaldi aa jao we need you so much so we need you badly so please we need you fast and that's all I did. sir ek sawal aapse bhi all right are niche baith अरे अनिल ये आवाज हमिंग आ रहा है सवाल यही है सर कि बच्चों को पहली बार डायरेक्ट किया है ठीक है सो हाउ वाज दिस एंटायर थिंग दैट वाज गोइंग ऑन कि बच्चों को डायरेक्ट करना है डराना नहीं है तो वो पूरे दिमाग में क्या चल रहा था
में जिसने मुझे काफी दिखा दिया है. एक्चुअली मुझे अभी पता चला ये फिल्म करते हुए कि मम्मी पापा मेरे साथ क्यों परेशान हो जाते थे. पर नहीं, इट वाज रियली फन. बच्चे मैंने इनकी ऑडिशन की थी इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया था एंड दे हैव लिव्ड अप टू देयर कैरेक्टर्स व्हिच इज देयर इन द फिल्म. और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं. बस मैं इनको खासकर इन लड़कियों को कहता रहता था मेकअप ऑन लगाओ बिकॉज़ ऑफ बच्चे. अदरवाइज इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी. और ये पूरी फिल्म अभी मेरी खत्म हो गई है फ्रॉम क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू. और ये मेरी पूरी एक टीम थी जिसके साथ मैंने ये पूरी फिल्म खत्म की है. अब आगे मुझे एक और टीम चाहिए जो आप लोग हैं, बिकॉज ये टीम मुझे अभी आगे लेकर जाएगी ताकि मैं अपनी फिल्म को पर्दे को लेकर जाऊँ, जनता तक पहुँचूँ और उनको आप वहाँ लेकर आएंगे. बाकी तो फिर मेरी फिल्म बोलेगी मैंने अच्छा काम किया है या गंदा. इसका बस यही कह सकता हूँ कि कोशिश जारी थी लेकिन हो नहीं पा रहा था और अब तैयार हूँ. वो उन्हीं को पता होगा. उनका ना कहना या हाँ कहने की बात नहीं थी. एक चीज़ जो हम कोशिश कर रहे थे वो बन नहीं पा रही थी जिसकी वजह से I couldn't do it earlier on. But now definitely that's why I decided to direct once again and I really loved it. I enjoyed it. क्योंकि अक्सर हम कहते हैं पार्ट टू या रिटर्न्स और दिस एंड दैट. बट मैं ये कहना चाह रहा था कि ये घायल जो 1990 में घायल थी वो आज फिर से वंस अगेन घायल है. क्यों है वो पिक्चर बताएगी. मैं एक्चुअली कहूँ सबसे टफ प्रोडक्शन होती है. नहीं एक्चुअली बात क्या, कुछ भी करो कहाँ भी जाओ जो भी करो जब व्हेन यू आर सपोज टू बी द लीडर ओवर देयर बीइंग अ डायरेक्टर दैट्स व्हाई. तो जिम्मेदारियाँ बहुत हो जाती हैं और एज अ डायरेक्टर यू वांट योर विजन टू कम अक्रॉस राइट. तो उसके लिए फिर से प्रोडक्शन के ऊपर झगड़े होते हैं कि ये चाहिए क्यों नहीं हो रहा. And then again coming back to the creative side and then coming back to the actors, where actors ke upar jo mehnat karni padti hai jaise directors mujh par mehnat karte the to usme kafi energy nikal jati hai. But maza aata hai kyunki because end of the day jo hum bana rahe hain wo nikal kar aa raha hai like an artist like a painter jo bhi kahe hum ise. Aur to be very honest I'm really very happy. I'm really very happy with my film because jo maine socha tha jo maine chaha tha wo mujhse shayad ban gaya hai. Shayad pata nahi main kyu bol raha hu lekin ban gaya. iske baad bas yehi keh sakta hu ki isse zyada aur main nahi kuch kar sakta. Sir release date baar baar badli ja rahi hai, kya karan hai aap itne acche time pe aa rahe the center mein? नहीं बदली नहीं जा रही है. वो क्या एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि ये तारीख को आ रहे हैं ये तारीख को आ रहे हैं. दैट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन आई इंडस्ट्री. डेफिनेटली मेरी कोशिश तो थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊँ. दिवाली वॉज अ गुड टाइम विच आई कुड रियली टारगेट. लेकिन देन अगेन यू नो क्रिएटिव वर्क और कितनी चीज़ें करते करते जुड़ते जुड़ते बहुत वक्त लग जाता है स्पेशली विद स्पेशल इफेक्ट्स. मैं नहीं चाह रहा कि मेरी फिल्म ऐसी मैं लगा दूँ. मैं देखूं अच्छी तरह से एंजॉय करूं फिर उसे रिलीज करूं. मैं चारों युवा एक्टर्स से भी जानना चाहूंगा कि जब आपको पता चला सनी देओल की फिल्म में आप काम करने वाले, कोई पर्टिकुलर डायलॉग है जो आपका पसंदीदा है और आप इनके सामने आज कहना चाहेंगे क्योंकि इतने दिनों तक आप भीतर छुपा के रखे होंगे चारों अपने अपने तरह से करके. अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हार नहीं मानेंगे. As you can see from the poster, उस ढाई किलो के हाथ का सहारा ले रहे हम. तो we were not scared of it. We were in love with it. Sunny sir, over here. Towards first of all, congratulations. The trailer looks excellent.
So my question is, you have roped in Hollywood action director Dan Bradley for the choreographing the action scenes, and even they look stunning on the screen. So could you say something about action in the film? See, I had started my career with films like Betab, then Arjun, and then it followed on with that kind of cinema because most of I believed in that cinema. So then I decided, I was thinking that I have made so many films, but I have lost my roots, which I used to love doing. और दैट्स उसी तरह से मैं उसी रीजन से मैं डायरेक्टर बना इस फिल्म में वापस एंड डेफिनेटली एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आज मैं देख रहा हूँ जिससे भी देख रहा हूँ वो उस तरह का एक्शन कर रहा है जो मैं बहुत बार कर चुका हूँ एक को मारो तो 10 आदमी उड़ के वहाँ यहाँ से वहाँ उनके इशारे से भी चले जाते हैं यू नो सो वो सब बहुत हो गया है तो मैंने कहा नहीं आई मीन वो मैंने कहीं गलती से शुरू कर दिया मुझे बंद करना होगा और सो जितने भी हमारे यहाँ एक्शन कोऑर्डिनेटर्स हैं सब अच्छे हैं लेकिन दे हैव ऑल लॉस्ट दी के हम अभी एक्शन क्या करना क्या चाहते हैं एवरीबडी ट्राइंग टू बी लाउडर एंड लाउडर तो इसीलिए मुझे देन आई हंटेड अराउंड मुझे डैन ब्रैडली अच्छे लगे क्योंकि उनकी जो फिल्म उन्होंने किया जब मैं उनके साथ काम किया इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर बिकॉज ही इज जेन्युइनली रियली अ क्रिएटिव guy and this film because of him and because of our concept together we've been able to bring out reality as much as possible and so you know since this is in a realistic space will there be a music what sort of music will be there in this film I've got good songs I would say basically ek gana hai jo picturized kiya bachchon ke upar because it has to relate to the kids so mera gana hi usi tarah se hai and I'm hoping that if it relates to kids it will relate to us also because hum bhi bachche ka karte hain सो फिलहाल अभी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं बट एज टाइम गोज बाय आई विल बी वो भी मैं पोस्ट करूँगा देन वी हैव अ थिंक फॉर दैट ऑल्सो बिकॉज लाइक आई सेड अभी आप मेरी टीम है तो मुझे आप बताओ कि क्या एक चीज़ पहले दूसरी चीज़ बाद में क्या कैसे किस चीज़ को लेकर आऊँगा एंड मैं आपकी सुनूंगा और आप मेरी सुनेंगे सनी जी ऑन योर साइड सनी जी ऑन योर साइड हियर कांग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर ट्रेलर लुक्स ऑसम माय क्वेश्चन टू यू इज सर तो हो जाओ तैयार और बी सी एल पंजाब बाकी सारी अच्छी को अट्ठारे बैठ के यहाँ बैठ के क्या कितना कितना हेल्प होगा इसको आप बढ़ावा दे रहे हैं मैच को उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो कितना हेल्प करेगा इन प्लेयर्स के लिए आपकी टीम के लिए देखिए ये एक बी सी एल पंजाब जो शुरू किया है एक यूनिसेक्स क्रिकेट है इट्स अ यूनिसेक्स क्रिकेट और पंजाबी क्रिकेट है तो पाजी इज द बिगेस्ट पंजाबी आइकन तो सो मेरी फिल्म भी लग रही है तो मैंने कहा क्यों नहीं इनका भी बिगनिंग हो रहा है और मेरा भी एक तरह से बिगनिंग ही हो रहा है मैं वापस आ रहा हूँ सो इट इज़ वंस अगेन घायल वंस अगेन ये रीज़न था मैं अभी आप लोग देख ही रहे हैं मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ अभी कोई कह नहीं सकता कि मैंने प्रमोशन नहीं की अपनी फिल्म के लिए कितने टाइम बाद क्रिकेट टाइम बहुत 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 वक्त हो गया कई साल हो गए हैं स्कूल में था उसके बाद कभी कभार यहाँ वहाँ कभी खेली होगी बट नॉट मच मैं था क्या बोलते हैं एक प्लेयर जो बैट पकड़ लेता था बॉल आती थी मेरे को मालूम से मारना है मिस हो जाती थी आउट नहीं तो मैं मारता था और बॉलिंग भी वैसे ही करता था खड़ के जोर से मारता था या तो विकेट पे जाती थी
यहाँ बाहर जाती थी, बैट्समैन के पास जाती थी, यहाँ आउट जाती थी। जी सनी जी, आई एम रियली ओब्लाइज के पहले तो भाजी ने इतना टाइम निकाला, और ही इज़ द बिगेस्ट पंजाबी आइकन, और ये पंजाबी ग्लोबल लीग है जिसमें पंजाब का पूरा यूथ कनेक्ट होने वाला है। तो जब मैंने घायल के ट्रेलर्स देखे तो मेरे को लगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूथ कनेक्ट है, एंड इट्स एग्जैक्टली वॉट वी आर डूइंग इट। एक यूनिसेक्स क्रिकेट है, एक यूथ सब इकट्ठे होंगे एक प्लेटफॉर्म पे, एंड हैविंग अ पंजाबी गॉड विद अस, इट्स माय प्रिविलेज। आई एम रियली रियली ओब्लाइज। आई थिंक ही इज गोइंग लिटिल ओवरबोर्ड। हाँ बस यही कहना चाहूँगा कि ये है का खेल है, सारे एंटरटेन करने लिए नाले आप एंटरटेन होने लिए, और जब खेल खेल होंगे उस वे तो फिर बंदा भूल जाता कि मैं खेल कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, उस वे बंदा फिर वाकई बड़ा औखा हो जाता है, लड़ता है, रोंदा है, पिटदा है, तो मज़ा उदे च ही आता खेल च, जब तक ये सारिया चीज़ा ना हो गेम के बच्चे तो गेम का मज़ा ही नहीं है। देखिए बॉबी ये काफ़ी सालों से कर रहा है, एंड ही इन्जॉयज इट, और वो काफ़ी ट्रेनिंग करता है एंड ही इज़ वेरी गुड। सो हम लोग अक्सर कभी वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ बैडमिंटन या स्क्वाश खेल रहे होते हैं, तो उस वक्त क्रिकेट की बात तो नहीं कर रहे होते, लेकिन डेफिनेटली ये सब चीज़ें, मैं एक तरह से एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं हर चीज़ खेलना चाहता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि BCL पंजाबी ये पंजाबी लीग है, और जिस तरह से इन लोगों ने इन सब ने एक इसके बारे में जिस तरह से इसे ऑर्गेनाइज़ किया है, वाकई में ही एक तरीका है जो हम लोग इतना कभी सोच भी नहीं सकते कि हम रबर बॉल के साथ लीग शुरू करेंगे। नहीं लड़ना झगड़ा तो खेलते खेलते हो जाता है ना, कभी जब बैडमिंटन खेल तो शटल बाहर चली गई, आउट एन एन आउट नो आउट आउट एन, और फिर गुस्से में कोई छोड़ के चला जाता है फिर वापस आता है, तो दैट्स व्हाट स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट एंड दैट्स व्हाई आई लव स्पोर्ट्स। मैं क्यों करूँ ऐसी ऐसी, आप तो आप लोग बगैर पिटाई के कुछ और नहीं सोचते क्या? क्या कह रहे हैं आप? कल गए थे BCL पंजाब को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ हाँ नहीं मैं वहाँ गया था बॉबी के, मैं अहमदाबाद में था, बॉबी का मैच देख रहा था, आई वाज देयर वेरी मच सपोर्टिंग हिम, मेरा भाई है क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा। ये आप लोग बदलते रहते हो, मैं नहीं बदलता, वो मैं एक फिल्म बना रहा था उसके बाद जब से मैंने 2-3 साल हो गए जब से मैं कह रहा हूँ ये वंस अगेन है, पर फिर भी आप लोग क्या आप लोगों को मज़ा नहीं आता जब तक कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो, बोरिंग हो जाती है बात। आप जैसे जाके सिनेमा में देखोगे तभी मज़ा आएगा ना, नहीं तो फिर ऐसे कैसे मज़ा आएगा, मैं आपको कहानी बता दूंगा फिर आप मेरी पिक्चर ही नहीं देखोगे, तो फिर आप मेरे पूरे पैसे मुझे दे दीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुना दूंगा। अजय नीचे झुक जाना, अजय नीचे झुक जाना, सरोज नीचे झुक, सरोज सरोज नीचे झुक, बैठ के साथ
वीडियो के लिए चलो झुक जाना भाई मैं थोड़ा झुक जाना सर वीडियो के लिए सब सब जब पीछा पीछा Thank you.
reality mein motive. Exactly.